हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइए अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों, जो कि ये अक्षरधाम टेंपल से स्टार्ट होता है। दोस्तों, ये है अक्षरधाम टेंपल की दीवार दोस्तों, और ये जा रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे दोस्तों, और यहीं से ये स्टार्ट होता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो कि इस साइड से देखो ये यहाँ से लेफ्ट में ये मुड़ जाता है। देखो ये बोर्ड भी लगे हुए हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को दोस्तों, और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो देख सकते हो, पहले आप लोगों को बता दूँ ये ड्रेनेज नहीं था, और ड्रेनेज नहीं था तो पहले ये रोड वहाँ तक हुआ करती थी, ठीक है, उस पट्टी तक हुआ करती थी जो बीच में जो पट्टी देख रहे हो ना, पहले वहाँ तक ये रोड हुआ करती थी। अब ये इतनी चौड़ी कर दी गई है, देखो ये ड्रेनेज बनाया है, फिर उसके बाद में ये बॉल लगाई गई है दोस्तों, तो काफ़ी स्पेस हुआ है। तो आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ, यहीं से स्टार्ट होता है ये 210 किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों। और दोस्तों ये फ्लाईओवर आ रहा है दोस्तों, देखो नोएडा ग्रेटर नोएडा की साइड से ये, और ये चला जाता है सीधा अक्षरधाम। देखो वो लिखा हुआ है सामने, देखो अक्षरों में वो लिखा भी होगा, देखो ये लिखा हुआ है ना, और यहीं से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे हो जा रहा है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत तो बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियो देखो। तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे का व्यू। दो दोस्तों यहाँ से देख लो, ये ड्रेनेज है, और ड्रेनेज के बगल से ही देखो ये रोड बनाई गई है। अब देख सकते हो ये आरी पैनल लगा के दोस्तों इसमें कंपोजर भी लगा दिया और बेल्ट भी लगा दी है, ताकि ये जो पैरा फिटबॉल है दोस्तों ये निकल ना जाए, तो इसी वजह से ये लगाए जाते हैं। देख सकते हो, तो ये सीन चल रहा है। देखो ये मेट्रो के पिलर आ रहे हैं, दो पिलरों के बीच में यार ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे निकलेगा, तो यहाँ से ये रोड बन जाएगी दोस्तों इस तरीके से। तो देख सकते हो आप लोग किस तरीके से आरी पैनल को रोकने के लिए इसमें बेल्ट और कंपोजर लगाया जाता है, ताकि इसमें बरसात का पानी अंदर ना आ जाए दोस्तों, इसी वजह से ये कंपोजर लगाया जाता है। ये साइडों में कंपोजर लगा हुआ है ना, देख सकते हो ये वाइट कलर का, ये वाइट कलर का जो कंपोजर लगा हुआ है दोस्तों, ये देखो ये इसे कंपोजर बोलते हैं, और फिर इसमें बेल्ट भी लगी हुई है, तो ये आरी पैनल को रोकते हैं, इस वाले को जो तो सीमेंटेड बना हुआ है इसी को रोकते हैं दोस्तों। और आगे जाके देखो वो वहाँ जेसीबी से काम भी चल रहा है, ठीक है, तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। और ये है यहाँ का दोस्तों दिल्ली का कौन सा टेम्पल है, ये अक्षरधाम टेम्पल, देख सकते हो कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ का, तो यही चल रहा है, चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों, ठीक है, चलिए। देखो दोस्तों ये जेसीबी चल रहा है यहाँ पर, जो मैंने दस्ता भी आप लोगों को दिखाया था वो देखो, ये मिट्टी डालने के बाद में अर्थवर्क का काम डाल करने के बाद में दोस्तों, फिर इसी मिट्टी की लेबलिंग करके देखो ऐसा रोड रोलर भी चला दिया, इधर ये जेसीबी मशीन चल रही है, तो देखो इतना ये काटा जाएगा, तो आगे भी पार्किंग बनाई जानी है दोस्तों। चलते आगे दिखाते चल के, वहाँ पर वो रेलवे क्रॉसिंग है, तो वहाँ पर दिखाते हैं कितना कुछ काम हुआ है दोस्तों। और यह है अक्षरधाम टेम्पल का मेट्रो स्टेशन दोस्तों।
दोस्तों ये काम चल रहा है, देखो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाने का। दोस्तों देख सकते हो आरी पैनल लगा कर कंपोजर भी निकाल दिया। अब ये देखो जेसीबी ये मिट्टी को एक सार कर रहा है। एक सार कर देने के बाद में इस पर दोस्तों रोड रोलर चलाया जाएगा। ये देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। ये अक्षरधाम टेम्पल के सामने दोस्तों, यानी कि फ्लाईओवर को बनाया जा रहा है, यानी कि फ्लाईओवर को चौड़ा किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा है, और ये चल रहा है जेसीबी दोस्तों। ठीक है, यही काम चल रहा है। और देखो आप लोगों को बता दूं कि ये जो पिलर बनाए थे, पिलर बनाने के बाद में देखो दोस्तों इधर ये गाटर लॉन्चिंग भी कर दी जा चुकी है। देख सकते हो गाटर लॉन्चिंग कर रहे हैं। ये रेलवे लाइन है दोस्तों, रेलवे क्रॉसिंग, उसी पर देखो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, इसकी भी आप वाली वीडियो देख लो किस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। दोस्तों कितनी हैवी क्रेन मशीन होती है जो इस गाटर को उठाती है। दोस्तों इस गाटर को देखो, आई गटर को उठाने का काम करती है ये वाली क्रेन मशीन। दोस्तों देखो एक साइड तो ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, दूसरी साइड में देखो मेट्रो निकल रही है। दोस्तों काम देखो, नज़ारा देखो, क्या ही बेहतरीन नज़ारा है। और अब इस पर सेटिंग लगाई जा रही है फ्लोर वर्क के लिए। दोस्तों देखो उधर तो ये आई गटर सीमेंटेड है, इधर के ये आई गटर दोस्तों स्टील के गाटर हैं। दोस्तों आई गटर से देखो ये स्टील के हैं इधर, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग है ना, इस वजह से यहाँ पर ये लोहे के हैं। तस्वीरें देख सकते हो कुछ यही काम चल रहा है। नज़ारा देखो आप लोग, चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। और उधर तो फ्लोर वर्क हो भी चुका है दोस्तों, देखो उस साइड में फुल फ्लोर वर्क हो गया है। शटरिंग लगा रहे हैं दोस्तों, देख सकते हो आप लोग इस तरीके से शटरिंग लगाई जाती है। और यहाँ पर ये बेल्ट किया गया है लोहे का, और जो ये फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, फ्लोर वर्क। अब इसके ये साइड के पैरा फिट बॉल बनाए जाएंगे दोस्तों, यही काम रह गया। देख सकते हो आप लोग तस्वीर है। अब बढ़ते हैं आगे, दिखाते चल के आगे क्या काम चल रहा है इस टाइम पे। आराम आराम से देखो इधर ये शटरिंग लगा के, और देखो सरियाओं का जाल बना रहे हैं फ्लोर वर्क के लिए। देखो तैयार किया जा रहा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। देखो इधर देखो दोस्तों, ये रैंप का हिस्सा बनने लगा है। तस्वीरें देख सकते हो, पहले तो ये बाल बनाई गई है, ठीक है। देखो उसमें कंपोजर भी लगा दिया, वहाँ तक देखो बाल बनाई गई है, देख सकते हो। और इधर ये फ्लोर वर्क की शटरिंग को लगाने के बाद में दोस्तों सरियाओं का जाल देखो बना रही है ये टीम, देखो ये टीम बना रही है। अब इस पर कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा, यानी कि इसमें फ्लोर वर्क कर दिया जाएगा दोस्तों। तो देखो टीम लगी हुई है, और देखो इधर ये रैंप का हिस्सा तैयार करने का काम चल रहा है, देख सकते हो। चलते आगे दिखाते चल के आप सभी को दोस्तों। देखो दोस्तों ये काम चल रहा है, देखो यहाँ पर ये कंक्रीट की सीमेंटेड रोड थी, तो उसी उखाड़ने का काम कर रहा है ये जेसीबी। तस्वीरें देख सकते हो, इधर ये इधर की मिट्टी साफ कर दी है दोस्तों। एक ये रहा देखो, दो रोड खड़ा है जेसीबी, जो कि मिट्टी को हटा रहा है दोस्तों। और ये एक तार कर रहा है मिट्टी को, जैसे इधर किया गया है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, और ये अक्षरधाम क्रॉस करने के बाद में बाद का काम है दोस्तों। देखो ये रोड लोडर आ रहा है, देखो इस पर रोड लोडर चल रहा है, मिट्टी को दबाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। यही काम किया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाने का दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, क्या ही बेहतरीन नज़ारे हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आप सभी को आगे दिखाते हैं चल कर दोस्तों। देखो कैसा काम चल रहा है, हर की बात का लेंथ देखो कितनी लेंथ आप लोग, इतना बड़ा पत्थर देखो ये जेसीबी तोड़ रहा है यहाँ पर, जितना हम अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं दोस्तों। देखो ये तोड़ने का काम कर रहा है, फिर इसके बाद में इस पर रैंप का हिस्सा बनाया जाएगा दोस्तों।
दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये काम चक्कर किया जा रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के सामने। दोस्तों देखो ये फ्लाई ओवर बनाने का काम चल रहा था, ये कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों एक साइड से देखो ट्रैफिक को खोल भी दिया जा चुका है, दूसरी साइड का भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है दोस्तों। और देखो ये फुट ओवर ब्रिज है, इसे हटाने का काम चल रहा है दोस्तों इस टाइम पर। देख सकते हो कुछ ये सीन है यहाँ का नज़ारा आप लोग देखो। ये है ललिता पार्क, ठीक है, ये ललिता गार्डन समझ लो दोस्तों। देखो इसको भी अभी हटाया जा रहा है, जो बीच का डिवाइडर है ना उसको भी चौड़ा किया जा रहा है, तो ये काम चल रहा है। तस्वीर आप लोग देखा तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को कि इस पर काम हो चुका है कंप्लीट सही। तो चलते हैं दिखाते हैं चल के। देखो ये सीन है दोस्तों, ठीक है, ये फ्लाई ओवर बनाया गया अभी जल्दी में, ठीक है, ललिता पार्क के सामने दोस्तों ये काम चल रहा है। यहाँ पर देखो एक साइड की रोड बना दी है, खोल दिया ट्रैफिक, दूसरी साइड की अब बनाई जा रही है दोस्तों। यही नज़ारे हैं आके, ठीक है,